दोस्तों, अगर आपको भी अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर बिना इंटरनेट के ऑफलाइन गेम्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन गेम फॉर मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि ऐसे मोबाइल गेम जिनमें आपको काफी अच्छे ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही मजेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही साथ इन सारे गेम्स को खेलने के लिए आपको किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑफलाइन इन सारे गेम्स को आप अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल पाओगे। और तो इन सारे ऑफलाइन गेम्स की डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इन सारे गेम्स को डाउनलोड भी कर पाओगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बिना देरी के चले इस मेरा टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हो। देखते हैं आपको इनमें से कौन से ऑफलाइन गेम पसंद आता है। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं डाउनहिल रेस लीग गेम से। दोस्तों, डाउनहिल रेस लीग गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला एक्शन पैक डाउनहिल रेसिंग गेम है और इस गेम के अंदर आपको बाइक, स्केटबोर्ड जैसे अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके रेस करनी पड़ती है और इस गेम के मैप में आपको बहुत ही खतरनाक तरह के स्टंट भी करने को मिल जाएंगे, जिससे आप इस गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉइंस को कलेक्ट करके आगे के लेवल्स के लिए नई नई तरह की चीज़ों को भी अनलॉक कर पाते हो। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको बहुत ही फास्ट पेस तरह की रेस करनी पड़ेगी और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी अवॉइड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करो तो डाउनहिल रेस लीग गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ऑफलाइन रेसिंग गेम है जिसका साइज केवल 100 MB तक है और 100 MB में आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक्स भी इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल डिवाइस पर इस तरह के ऑफलाइन रेसिंग गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो इस गेम की डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इस गेम को इजीली अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके ऑफलाइन खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है मिस्टर ओबी डिटेंशन। दोस्तों, ये भी एक कमाल का पार्क ओवर एस्केप गेम है और इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरह के लेवल्स के अंदर बहुत सारे पार्क ओवर टाइप के स्टंट करके इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ता है और लेवल्स को कंप्लीट करते करते रास्ते में आने वाली बहुत सारी पजल्स को भी आपको इस गेम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पार्क ओवर टाइप का एडवेंचर गेम बन जाता है और इस गेम के हर मैप को आपको टाइम खत्म होने से पहले फटाफट कंप्लीट भी करना पड़ेगा और रास्ते में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करके भी आप इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूं तो मिस्टर ओबी डिटेंशन गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला पार्क ओवर एडवेंचर गेम है जिसका साइज केवल 100 MB तक है और इस गेम को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है हार्ड टाइम 3। दोस्तों, हार्ड टाइम 3 गेम भी एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रोल प्ले टाइप का एक्शन गेम है और इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर एक प्रिजनर का होगा और आपको प्रिजन के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके प्रिजन से एस्केप करना पड़ता है और प्रिजन से एस्केप करने के अलावा आप अलग अलग तरह के गैंग मेंबर के साथ फाइट भी कर सकते हो और फाइट करने के साथ साथ इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे प्रिजन के अंदर मिशंस कंप्लीट करने को मिलेंगे, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमा के अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी इस गेम के अंदर कर पाते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात हो तो हार्ड टाइम 3 गेम एक एक्शन पैक रोल प्ले गेम है जिसका साइज केवल 200 MB तक है और 200 MB में आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं और कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम होने से आप इस गेम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है पॉली ब्रिज 3। दोस्तों, पॉली ब्रिज 3 गेम भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पजल बेस गेम है और इस गेम के अंदर आपको अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इस गेम के अंदर अलग अलग तरह के ब्रिज को बिल्ड करना पड़ता है और कम से कम खर्चे में आपको इस गेम के अंदर ब्रिज को बिल्ड करके इस गेम के लेवल्स को कम्प्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कठिनाई भी हो सकती है। साथ ही साथ काफ़ी अलग अलग तरह के लेवल्स होने के साथ साथ इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी खेलने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करो तो अगर आप भी अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फिजिक्स बेस्ड गेम खेलना चाहते हो तो पॉली ब्रिज 3 गेम एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम हो सकता है, जिसका साइज आपको 300 MB तक देखने को मिल जाएगा और 300 MB में आपको काफ़ी हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक्स इस गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं और कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम होने से आप इस गेम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो।
गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है रियल कार रेसिंग सिमुलेटर। दोस्तों रियल कार रेसिंग सिमुलेटर गेम एक ब्रांड न्यू कार रेसिंग गेम है और इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरह की फास्ट कारों का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल्स में कार रेस करनी पड़ेगी और कार रेस करने के लिए इस गेम के अंदर आपको फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसी अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स कारों का इस्तेमाल करने को मिल जाता है और इन सारी स्पोर्ट्स कारों का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट करके इन सारी कार्स को अनलॉक करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको अपनी कार को कस्टमाइज करने के साथ साथ अपग्रेड करने का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे आप इन सारी कार्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात हो तो रियल कार रेसिंग सिमुलेटर गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला कार रेसिंग गेम है जिसका साइज 200 MB तक है और 200 MB में आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक्स भी इस गेम के अंदर खेलने को मिल जाते हैं और कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम होने से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है हाउस 314। दोस्तों हाउस 314 गेम भी काफी ज्यादा मजेदार फर्स्ट पर्सन शूटर सर्वाइविंग हॉरर गेम है और इस गेम के अंदर आपको एक घर के अंदर अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करके सर्वाइव करना पड़ता है और इसमें आपको अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर से सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको इस गेम के अंदर क्राफ्ट करके या ढूंढ के यूज करना पड़ेगा और वेपन्स को यूज करने के अलावा इस गेम के अंदर आपको अपने करेक्टर को जिंदा रखने के लिए अलग अलग तरह की चीजों को भी करना पड़ सकता है जिसमें आपको बहुत सारी पजल से लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क भी कंप्लीट करने को मिल जाएंगे और इस गेम के एलिमेंट्स आपको रेजिडेंट ईविल या साइलेंट हिल गेम के जैसे लग सकते हैं जिससे काफी ज्यादा मजेदार फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप का हॉरर गेम बन जाता है। और बात करें इस गेम के साइज की तो 200 MB तक का साइज होने से इस गेम में आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे और कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम होने से आप इस गेम को बिना इंटरनेट कनेक्शन के आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर ऑफलाइन एंजॉय कर सकते हो। गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है एस्केप ओबी लैब चैलेंज। दोस्तों एस्केप ओबी लैब चैलेंज गेम भी काफी ज्यादा मजेदार फन बेस्ड रनिंग टाइप का सर्वाइविंग गेम है और इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर ओबिका होगा जिसे एक लैब के अंदर अलग अलग तरह के क्रिएचर और ट्रैप से बच के एस्केप करना पड़ता है और एस्केप करने के लिए आपको रास्ते में आने वाले बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करने के साथ साथ बहुत सारे ट्रैप से भी बचना पड़ेगा और इन सारे ट्रैप से बच के आप इस गेम के लेवल्स को कम्प्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको अलग अलग तरह की चीजें भी खरीदने के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिससे आप इस गेम के लेवल्स को आसानी से कम्प्लीट भी कर पाओ। तो गाइस ओवरऑल बात करें तो एस्केप ओबी लैब चैलेंज गेम में काफी ज्यादा मजेदार सर्वाइविंग टाइप का गेम है जिसका साइज आपको 200 MB तक देखने को मिल जाता है और इस गेम को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है ज़ॉम्बी 3D। दोस्तों ज़ॉम्बी 3D गेम भी एक काफ़ी ज़्यादा मजेदार ब्रांड न्यू थर्ड पर्सन शूटर सर्वाइविंग गेम है और इस गेम के अंदर आपका करेक्टर एक सर्वाइवर का होगा जिसे इस गेम के अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारे ज़ॉम्बी से फाइट करनी पड़ती है और ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए आप इस गेम के अंदर शॉर्ट गन, स्नाइपर राइफल, असॉल्ट राइफल, मशीन गन जैसे अलग अलग तरह के गनों का इस्तेमाल करके इस गेम के अंदर ज़ॉम्बीज को डिफीट करके लेवल्स को कम्प्लीट कर पाते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको अपने हिसाब से अपने वेपन्स को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है और जैसे जैसे आप इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट करते जाओगे आपके लिए नई नई तरह के वेपन्स भी इस गेम के अंदर अनलॉक हो जाते हैं जिससे आप इस गेम के अंदर ज़ॉम्बीज को और भी अच्छी तरह से मार पाओगे। तो गाइस ओवरऑल बात है तो ज़ॉम्बी 3D गेम में काफी ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी के अंदर। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है बाइक गेम्स। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला बाइक टाइप का रेसिंग गेम है और इस गेम के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर अलग अलग तरह की बाइक चला के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टंट करने पड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टंट करके आप इस गेम के अंदर नए नए तरह के बाइक को अनलॉक भी कर पाओगे और अनलॉक करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको बहुत सारी बाइकों को खरीदने के साथ साथ उन्हें कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है जिन्हें आप अपने हिसाब से अपग्रेड करने के साथ साथ कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल बात करें तो बाइक गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला 3D रेसिंग टाइप का बाइक गेम है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके ऑफलाइन एंजॉय कर सकते हो।
गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के आखिरी गेम का नाम है पुलिस कॉप सिमुलेटर। दोस्तों पुलिस कॉप सिमुलेटर गेम में काफी ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला पुलिस कॉप सिमुलेटर टाइप का गेम है और इस गेम के अंदर आपको कॉप का रोल प्ले करके इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के गैंग के साथ फाइट करनी पड़ती है और गैंग के साथ फाइट करने के अलावा इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप में आपको GTA गेम के जैसे अलग अलग तरह के टास्क भी कंप्लीट करने को मिल जाएंगे जिससे आप इस गेम के अंदर अपने कैरेक्टर के लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको इस गेम के अंदर पुलिस कार से लेकर अलग अलग तरह की बहुत सारी कारों का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा जिससे ये गेम हल्का फुल्का GTA गेम का जैसा सिमिलर गेम लग सकता है। तो गाइस ओवरऑल बात हो तो पुलिस कॉप सिमुलेटर गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला सिमुलेटर गेम है जिसका साइज आपको 600 MB तक देखने को मिल जाता है और कंप्लीटली ऑफलाइन गेम होने से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के इस गेम को अपने मोबाइल डिवाइस पर आसानी से डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज ये थे कुछ मजेदार टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन गेम जिन्हें आप आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इनमें से कौन सा ऑफलाइन गेम पसंद आया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। ओके गाइज बाय।